सावन में त्रिपुण तिलक लगाने से विशेष फलों की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना, उनके मंत्रों का जाप और स्त्रोत का पाठ करने से पहले यदि व्यक्ति स्नान ध्यान करके त्रिपुण तिलक लगाता है तो उसे भगवान शिव के साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिपुण तिलक शरीर के बहुत से भागों पर लगाने का विधान है। इस तिलक को लगाकर भगवान शिव की भक्ति करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सभी रोगों से छुटकारा मिलने के साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। त्रिपुण तिलक के महत्व को लेकर हमने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने त्रिपुण तिलक को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। त्रिपुण की बात करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को पहले याद करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वैसे तो सभी साधु संत लोग एवं जो पंडित लोग हैं सभी तिलक लगाते हैं, परंतु जो त्रिपुंड है यह भी एक तिलक का ही रूप है, जिसको साधु संत अधिक लगाते हैं अपने संप्रदाय के अनुसार। और जैसा कि अब श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है तो हम देखते हैं भोलेनाथ जी का चित्र, उनके मस्तक पर भी त्रिपुंड लगा होता है। तो त्रिपुंड का एक शिव पुराण में भी बहुत अच्छा वर्णन आया है, उसमें इसका महत्व बताया है। जो त्रिपुंड होता है, त्रिपुंड में तीन लकीरें होती हैं, प्रत्येक लकीर में अर्थात एक लकीर में नौ देवता का निवास होता है और नौ ये 27 इस प्रकार से तीनों जो हमारी लकीर है रेखाएं हैं उन तीनों में 27 देवताओं का निवास होता है और 27 देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इसके अतिरिक्त भोलेनाथ जी का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है, क्योंकि जो त्रिपुंड है जैसा कि वो स्वयं भी त्रिपुंड लगाते हैं और जो भी त्रिपुंड लगाता है उसके बाद अपनी पाठ पूजा किसी प्रकार का जो अपना कोई भी स्तोत्र का पाठ करता है भोलेनाथ जी का और उससे पूर्व त्रिपुंड लगाता है उससे उसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है। साथ ही सकारात्मकता आती है, हमारे मन में एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और अच्छे विचार हमारे हृदय में समाहित होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, जो हमारे अन्य अंग हैं, जो 32 अंग हमारे और भी हैं, उन पर भी शिव पुराण में जो उन अंगों पर भी त्रिपुण लगाने का महत्व है, जैसे कोहनी है, घुटना है, बिंदी है। इसके अतिरिक्त हमने जो अपना जो हमारी दोनों आंखें हैं ना उनके मध्य भाग में नासिका पर भी अन्य और अंगों का जो वर्णन किया है तो 32 अंगों पर इस त्रिपुंड को लगाते हैं, ऐसा जो अपना शिव पुराण में इसका महत्व बताया है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारा जो श्रावण मास है जो भोले शंकर जी के लिए समर्पित है, उस मास में यदि हम त्रिपुंड लगाते हैं और तत्पश्चात अपनी पाठ पूजा और भोलेनाथ के किसी भी स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करते हैं, उसका हमें बहुत अधिक कई लाखों गुना फल प्राप्त होता है और हमारी पूजा संपूर्ण होती है और हमारा पूरा जो मास है महीना है उसमें भोले शंकर की कृपा पूर्ण रूप से हमारे ऊपर बनी रहती है।